अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए जुबान है, जुबान जो है वो पहले लैंग्वेज जो है वो पहले हेरिक्लिप्स में होती थी, फिर वो वर्ड्स बने, फिर सब कुछ, फिर डिफरेंट डिफरेंट जुबानें बनी और उसमें आप कन्वे करते हैं। पर लेकिन एक जुबान है जिसका कोई अल्फाबेट नहीं है लेकिन समझ सबको आ जाती है अगर आप गौर से देखें तो, और वो जुबान है बॉडी लैंग्वेज। तो आज हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है उससे हम कैसे पता चला सकते हैं कि अगला बंदा जो हमारे सामने बंदा है वो हमारी बात को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है जब आप किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं तो जो पॉइंट्स आपको जनरली ध्यान में आपको जो रखने चाहिए और वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेश विद सोसाइटी टॉक्स। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान आगे से नीचे देख रहा है, इधर देख रहा है, या आपसे नजरें नहीं मिला रहा, इधर उधर देख रहा है, मींस इज नॉट इंटरेस्टेड, आपकी बात में वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, तो अपना बात खत्म कर दीजिए या देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर वो इंसान आप बात कर रहे हैं और वो अपनी बॉडी जो है वो इस तरफ करके थोड़ा साइड पे करके कर लेता है, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में। आप बात कर रहे हैं लेकिन वो आंखें झुका के हल्की सी मुस्कुराहट दे रहा है, इट मीन्स दैट ही थिंक्स और शी थिंक्स दैट यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अगर एक इंसान हाथ हिला के बात करता है तो इसका मतलब है कि वो बिलीव करता है जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है और सच बोल रहा है। और अगर एक इंसान हाथ नहीं हिलाता, रिजिड पोर्शन में बात करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान सैडिस्ट है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे इंसान से मिलने में आपको पता चल जाती है। मेरे साथ ये इंटरेस्टिंग सीन हुआ, मेरे एल्गोरिथम में सिवा हैदर है, उनका बार बार वो आ रहा था। पहले मैंने देखा फिर छोड़ दिया, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग, लेकिन वो इतनी दफा आया कि मैंने कहा चलो देखे तो सही क्या है, तो आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस वुमन। तो इन्हीं की एग्जाम्पल मैं आपको आज देती हूँ, इन्हीं की एग्जाम्पल देके चलती हूँ। इंडिया में वो बाल मचा हुआ है, जो उनके न्यूज एंकर्स हैं वो पागल हुए हैं, सब लोग उनके घर पहुंचे हुए हैं और इंटरव्यू पे इंटरव्यू। छोटी सी बात दो चार मैं आपको कर दूं, अगर आप एक नॉर्मल गांव की औरत हैं तो आप इतना ज्यादा एक्सट्रीम, क्योंकि लाइट्स पड़ी होती हैं आपके ऊपर, आपके मुंह के आगे माइक होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके चेहरे पे कंफ्यूजन आती है, आपके चेहरे पे घबराहट आती है। लेकिन इन खातून के चेहरे पे ना घबराहट है ना कुछ और है, शी इज लाफिंग, शी इज एंजॉयिंग, और वो जो भी आगे बैठा होता है उसको सर 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 करके, आप किसी को आप जब सर करके, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी को सर करके मुखातिब करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो अपने आप को यू नो ओके सर, तो वो आपकी आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। और उसके ऊपर से ये है कि ये मुस्करा रही हैं, आवाज नीचे रख रही, धीमी आवाज, एक जितना भी इनको प्रोवोक किया जा रहा है प्रोवोक नहीं हो रही, आवाज नीचे रख रही है और सर सर करके बोल रही, और जहां लगता है फंसी तो वहीं पे वो अपना या तो वुमन कार्ड खेलती है या वो अपना रिलीजन कार्ड खेलती है, ये दोनों कार्ड वो खेल रही है। और लोग, हमारे लोग बेसिकली इंडिया के भी पाकिस्तान के भी थोड़े से लबील को क्या कहते हैं, मासूम है, और उनको ये लगा कि जी पाकिस्तान से कोई आ गई और वो हिंदू हो गई तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, रिलीजन हर कोई बदलते ही रहता है, कोई हिंदू से मुसलमान हो गया, कोई मुसलमान से क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन से मुसलमान हो गया, ये तो तमाशा लगे ही रहता है जिंदगी में, दिस इज नथिंग बिग। लेकिन वो जो औरत है उसका जो बॉडी स्टैचर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक कह लें या क्या उसको मैं कहूँ लफ्ज को, अलार्मिंग है। अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि वो जैसे वो बैठी होती है, शी इज एक्सट्रीमली श्योर ऑफ व्हाट शी इज सेइंग, उसको जो भी लफ्ज वो निकाल रही है वो टोटली 100% श्योर है वो क्या कह रही है, उसने कब क्या करना है वो ट्रेंड है, तो शी इज 100% ट्रेंड। अब वो इंडिया से ट्रेन होके आई है या पाकिस्तान से ट्रेन होके आई है, रिगार्डलेस वो पॉलिटिशियन की बातें हम नहीं जानते, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, एंड हर साइकोलॉजी इज that she is 100% sure, she knows what she is doing, she knows what she has done and she knows the consequences and she knows ki wo consequences ko change kaise karegi, aur ye sare card wo khel rahi hai। pichle dino ek interview unka chal raha tha aur usme unhone jab wo phans gayi to unhone ek religious card khel diya ki ji Pakistan mein auraton ko
तो बहुत दबा के रखा जाता है, और जो उसका हस्बैंड एक्स हस्बैंड है इधर, उसने तो अपनी बेटी बेच दी है, और ये लोग यंग लड़कियों की, और नाउज़ुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम कि उन्होंने भी हजरत आयशा अलैहि सलाम हमारी माँ से शादी की थी। तो मैं आपको ये एक पॉइंट पढ़ के सुना दूँ, ये मेरे टॉपिक बॉडी लैंग्वेज के नहीं है, लेकिन आई फाउंड दिस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ये है महाभारत बुक 13 चैप्टर 44 वर्स 13, नोट कर लीजिए, महाभारत बुक 13 चैप्टर 44 वर्स 13, अ पर्सन ऑफ 30 इयर्स ऑफ एज शुड वेड अ गर्ल ऑफ 10 इयर्स ऑफ एज कॉल्ड अ नागरनिका, और अ पर्सन ऑफ 1 एंड 20 इयर्स ऑफ एज शुड वेड अ गर्ल ऑफ 7 इयर्स ऑफ एज। ये इनकी बुक में है, और ये हमारे नाउज़ुबिल्लाह उसमें, ये दिस इज जस्ट अ वेरी सैड वे ऑफ गोइंग इन टू एन आर्ग्यूमेंट कि आप किसी के मजहब के ऊपर अटैक करते, जब आपके अपने मजहब में ये लिखा हुआ है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि मजहब किसी में, इन में से जितने ये एंकर्स वैंकर्स हैं, इनमें से किसी ने भी आई एम श्योर महाभारत नहीं पढ़ी होगी, आई एम श्योर उन्होंने अपनी बुक्स नहीं पढ़ी होंगी। जैसे हमारे पाकिस्तान मुसलमानों ने अपना कुरान जो है वो उर्दू में या इंग्लिश या जो भी उनकी लैंग्वेज समझ में आती उसमें नहीं पढ़ा। तो जुबान जो भी आपकी है, आप अपना रिलीजन जो है वो पहले से ही पढ़ लीजिए। और इन खातून का जो है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज का है वो ये है कि ये एक जगह पे इसने अपना थोड़ा सा दरार डाला था, पूछता है भारत, उनका जो एक एंकर था उसने इससे एक चिपता हुआ सवाल किया, एंड शी वॉक्ड आउट ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि वो इतना सवाल था कि वो उस पर ही आ गई। जो बातें पूछने की है ना, वो बातें पूछने की ये हैं कि अगर जिस तरह उसने कहा कि मैं 38 आवर्स हम कॉल पे रहते थे तो दिन में 24 आवर्स होते हैं, पहले तो हिसाब मैथमेटिक्स इनका कोई ठीक कराए थे, एंड शी सेज कि जी मेरा वो मैं पूरा दिन फोन पे रहती थी, तो फिर बच्चों का ख्याल तो ये कर ही नहीं रही थी, तो रात सारी पबजी खेलती, तो बच्चों का खाना कौन बनाता था, खाना कौन खिलाता था, हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द किड्स, स्कूल कौन छोड़ता था, वापस कौन लेता था। एंड ये कहती है जी हैदर ने 4 साल से मुझे डिवोर्स कर दिया, वो वहां पर डिवोर्स का कार्ड खेल देती है, बट शी वॉज गेटिंग पेड फ्रॉम हर हस्बैंड, तो वो भी गलत है। तो इन बातों पे ये लोग नहीं आते, ये लोग जो है वो आ जाते हैं उस पे कि जी प्यार हो गया और आप प्यार के खिलाफ हैं, और वो उस कार्ड को प्ले कर रही है, शी इज प्लेइंग एवरी सिंगल कार्ड, जहां पे जो चल रहा है उस पे वो प्ले कर रही है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नार्सिसिस्ट, दैट वुमन इज अ नार्सिसिस्ट एंड अ वेरी ट्रेंड पर्सनल। तो ये बात तो पक्की है, बिकॉज ये 25 साल का एक्सपीरियंस है, और ये गलत हो ही नहीं सकता। किस लिए गई है, क्यों गई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। एक्चुअली इंडियन मीडिया को अपने चंद्रयान के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, वो चांद पे लैंड कर गए, अगर कर गए हैं तो उसकी मैंने एक दो वीडियोस देखी तो बड़ी हंसी आई कि उनको चांद पे एलियंस मिल गए, और ये बात इंडियन मीडिया नहीं कर रहा, इतनी बड़ी बात है ना, चांद पे उनको एलियंस मिल गए हैं तो क्यों नहीं कर रहे ये बात। तो बॉडी लैंग्वेज इंडियन एंकर्स जो हैं उनकी भी एग्रेसिव है, और बॉडी लैंग्वेज जो सीमा की, पता नहीं वो कौन है, अब हैदर सचिन वट एवर शी इज, इफ शी इज सीमा, इज वेरी वेरी क्वेश्चनेबल। आई होप समबडी लिसन्स टू दिस एंड लुक्स इनटू इट। टिल देन जर्मन प्रदेशी मिलते हैं सुरक्षा।